गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिकल टूल्स का। मैथमेटिक्स के वो टूल्स जो फिजिक्स में यूज होंगे। ये टॉपिक एक्चुअली क्या है, फिजिक्स को शुरुआत करने से पहले आपका बहुत अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए, बिकॉज कंप्लीटली फिजिक्स इस पर डिपेंडेंट है। जो जो चीजें फिजिक्स में यूज होंगी मैथमेटिक्स से रिलेटेड, हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। नाउ प्रॉब्लम ये आती है कि जो बायो के स्टूडेंट्स होते हैं, जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, पीसीबी लेते हैं, उनका मैथ्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता नहीं है। अब क्या है, फिजिक्स क्या है, कंप्लीटली मैथ्स बेस्ड है। अब प्रॉब्लम वहां उनको ये आती है कि जैसे जैसे वो लेक्चर्स को प्रोसीड करते हैं, जैसे जैसे वो टॉपिक्स को कवर करते हैं, तो मैथ्स ज्यादा से ज्यादा यूज होता जाता है। इन दैट केस वो क्या करते हैं, फिजिक्स से इंटरेस्ट खो देते हैं। रीजन, बिकॉज उनका जो मैथमेटिकल पोर्शन है वो वीक है, जिसकी वजह से उनका इंटरेस्ट बन नहीं पाता। नाउ हम इस चीज को दूर करने के लिए फिजिक्स को शुरुआत करने से पहले हम क्या करेंगे, कुछ मैथमेटिकल टूल्स की बात करेंगे। वो मैथ्स के टॉपिक्स जो फिजिक्स में पॉपुलरली यूज होते हैं। यूज होने का मतलब ये है कि मैथ्स के वो टॉपिक जो फिजिक्स के डेरिवेशंस में हम यूज करेंगे, इसके न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे, बिकॉज सेकंड चैप्टर है जो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, थर्ड चैप्टर है मोशन इन ए प्लेन, लॉज ऑफ मोशन, ये वो टॉपिक्स रहेंगे जिसमें पॉपुलरली मैथ्स के टॉपिक्स रिपीटेड यूज होते हैं। तो क्या क्या टॉपिक यूज होते हैं उनके बारे में हम यहां पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैलकुलस। सबसे पहले जो है हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कैलकुलस। नाउ कैलकुलस के अंदर क्या क्या आता है, कैलकुलस में दो टॉपिक रहेंगे आपके, वन इज डिफरेंशिएशन एंड सेकंड इज इंटीग्रेशन। एक टॉपिक रहेगा आपका डिफरेंशिएशन एंड सेकंड रहेगा आपका इंटीग्रेशन। तो क्या है डिफरेंशिएशन एंड क्या है इंटीग्रेशन, इस चीज की हमें स्टडी करनी है, राइट। तो हम यहां से शुरुआत करते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस। अब क्या है डिफरेंशियल कैलकुलस, क्या टॉपिक कवर होते हैं इसमें, क्या होता है डिफरेंशियल कैलकुलस एग्जैक्टली, उस चीज की हमें डिस्कस करना है। ध्यान से सुनना, लेट करो कि वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। एज्यूम करो कि कोई फंक्शन है, लेट अ फंक्शन वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स। इसका मतलब क्या है कि कोई फंक्शन है वाई और उसकी वैल्यू है जो एक्स पे डिपेंडेंट करती है, डिपेंडेंट है। कैसे, वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस टू। आपने छोटी क्लासेस में क्या स्टडी किया था, छोटी क्लासेस में स्टडी किया था पॉलिनोमियल। उस चैप्टर के अंदर हमने इन चीजों का डिस्कस भी किया था कि एक पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल्स टू थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, इसको हमने क्या बोल दिया था, पॉलिनोमियल। एक्चुअली ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। इसमें जो एक्स है वो वेरिएबल है। इसका मतलब है ये एक ऐसा एक्सप्रेशन है जो क्या है, एक्स का एक फंक्शन है। तो अब मैं पी एक्स नहीं लिख के उसको क्या लिख दिया, वाई। तो वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, इट इज अ पॉलिनोमियल ऑफ एक्स। तो आप ये कह सकते हो वाई इज इक्वल टू दिस, इट मींस वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। अब क्या होता है, और एग्जांपल इसके, वाई इज इक्वल टू थ्री एक्स क्यूब प्लस टू एक्स प्लस वन, ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्या है वाई, वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, मींस जैसे जैसे एक्स इंक्रीज होता जाएगा या वेरी करेगा वैसे वैसे वाई की वैल्यू भी वेरी करती जाएगी, राइट ना। तो हम ना एक रैंडम फंक्शन एज्यूम करते हैं वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स। ये एक रैंडम फंक्शन है जिसमें आपने क्या लिया, वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स। अब क्या है, फर्दर हम एज्यूम करते हैं कि मान लो कि एक्स में थोड़ा सा चेंज हुआ, एक्स में थोड़ा सा चेंज हुआ जिसकी वजह से वाई में भी चेंज आएगा। तो लेट कर लो
लेट डेल्टा एक्स इज चेंज इन एक्स, अगर एक्स में डेल्टा एक्स चेंज हुआ है ना, तो एक्स में जब डेल्टा एक्स चेंज हुआ है ना, डेल्टा वाई इज चेंज इन वाई, जब एक्स में डेल्टा एक्स चेंज हुआ तो लेट कर लिया कि जो वाई में चेंज है वो क्या है, डेल्टा वाई है। ठीक, तो द रेशियो है ना, जो दैट इज द रेशियो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, जो रेशियो है ना डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, इस रेशियो को आप क्या कहोगे, इट इज व्हाट, इसी को क्या बोलते हैं ना, इसको क्या कहेंगे, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। नाइन्थ क्लास में ये चीजें हमने स्टडी की है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम है ना, तो एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स को क्या लिखेंगे आप, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। नाउ ये आपने क्या एक्सप्रेस किया, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। अब ना एज्यूम करो कि जो चेंज इन एक्स था ना, दैट इज डेल्टा एक्स, ये मैं क्या कर रहा हूं, स्मॉल करता जा रहा हूं है ना, इफ चेंज इन एक्स इज वेरी वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, देन डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स है जो जो इसकी वैल्यू है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी। इन दैट केस अगर मैं ये कहूं कि जो चेंज इन डेल्टा एक्स इज वेरी स्मॉल, इसको एक्सप्रेस कैसे करूं मैं मैथमेटिक्स के फॉर्म में, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, इसका मतलब क्या है, इसको क्या स्टडी करते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, मैं यहां मेंशन कर देता हूं बिकॉज आपके लिए कंप्लीटली न्यू है ये, क्या लिखूं मैं यहां पे, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, इसका मतलब क्या है कि डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स की वैल्यू, जब डेल्टा एक्स में जो चेंज है वो ऑलमोस्ट जीरो है, नॉट जीरो, ऑलमोस्ट जीरो है, दैट इज चेंज इन एक्स इज अप्रोचिंग टू जीरो, दैट इज नियर बाई जीरो, तो इन दैट केस जो आपका डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स की वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स, जब आपका डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स जो रेशियो लिया आपने, दैट इज एवरेज रेट चेंज, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इन दैट केस इफ चेंज इन एक्स दैट इज डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, देन वैल्यू ऑफ डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स, एंड दिस डी वाई बाई डी एक्स इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इसका मतलब है डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका मतलब क्या है कि चेंज इन वाई व्हेन चेंज इन एक्स इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, राइट, दैट इज नेग्लिजिबल स्मॉल, चेंज इन वाई व्हेन चेंज इन एक्स इज नेग्लिजिबल स्मॉल, तो जो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू होगी उसको आप क्या कहोगे, डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और इसी को क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, राइट, तो जो डी वाई बाई डी एक्स है, अब वाई की क्या हो सकती है, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज होंगी, बिकॉज वाई तो क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स है ना, तो वो कैसा भी फंक्शन हो सकता है,
अकॉर्डिंगली उसका डेरिवेटिव हम कैलकुलेट करते जाएंगे, राइट। यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब देखो आप इसको फर्दर अगर मैं स्टडी करूं, मेन पॉइंट यही है जो मैंने अभी आपको बताया है, ये क्या है, की पॉइंट है डिफरेंशिएशन का, ठीक, डेरिवेटिव का, ये कह सकते हैं आप। फर्दर क्या है, डिफरेंट डिफरेंट जो वाई की वैल्यू होगी, मींस व्हेन वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड दैट फंक्शन इज ऑफ डिफरेंट वैल्यूज, देन इन दैट केस हम इसकी डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे वो देखो आप, ठीक है। तो फर्दर देखो, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑफ डेरिवेटिव, इसमें क्या है, हम क्या करेंगे, जब y की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज होगी तो dy by dx क्या होगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, लेट कर लो y इज इक्वल्स टू c, दैट इज कॉन्स्टेंट, y इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, y की वैल्यू क्या है, कॉन्स्टेंट है, इन दैट केस आपका dy by dx क्या हो जाएगा, डी सी बाई डी एक्स, याद रखना यहां पे डी बाई डी एक्स ऑपरेटर का काम कर रहे हैं, मतलब ये बता रहा है डेरिवेटिव ऑफ क्या सी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखो अगर वाई एक कॉन्स्टेंट है और एक्स में कोई चेंज आ रहा है तो क्या वाई में कोई कॉन्स्टेंट में चेंज आएगा, जो है ही ऑलरेडी कॉन्स्टेंट, तो वाई की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, इसलिए याद रखना कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा जीरो होता है, राइट। सेकंड में अगर मैं बात करूं, वाई इज इक्वल्स टू एक्स है आपके पास, ठीक, वाई इज इक्वल्स टू आपके पास आ गया एक्स, तो इन दैट केस आपका डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू क्या है, एक्स। अब देखो डी एक्स अपॉन डी एक्स इज वन, तो याद रखना एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो हमेशा वन होता है। इसके एप्लीकेशन फर्दर हम करते जाएंगे, अभी हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में। फिजिक्स में ज्यादातर यूज किसके रिस्पेक्ट में होता है, टाइम के रिस्पेक्ट में होता है, वैसे याद रखना। अच्छा थर्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट है, अज्यूम करो कि वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स, के एफ एक्स, यहां पर के क्या है, एक कोफिशियंट है, तो इन दैट केस आपका जो dy by dx होगा ना, that will be जो d by dx k into fx, k into fx। तो यहां से जो k है वो क्या है, डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, k जब बाहर ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा आपके पास, d by dx of fx, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। तो याद रखना जब भी कोई कोफिशियंट मल्टीप्लाई हो तो वो कोफिशियंट डेरिवेटिव से बाहर आ जाता है और बाकी फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है, ठीक। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी आपको। अब देखो आप, मैं फोर्थ एक्सप्रेशन अगर मैं बताऊं ना आपको, तो वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, इसमें अगर आप डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, इट मीन्स एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इट विल बी टू एक्स। तो यहां से एक जनरल एक्सप्रेशन बनता है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू, वाई इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एन। अगर वाई इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एन हो तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन इज इक्वल टू एन, जो पावर है वो क्या है, आगे आएगी n x और जो पावर है एक रिड्यूस हो जाएगी, तो n x n माइनस वन, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर फिजिक्स, बार बार इसका यूज करेंगे। डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n,
इज इक्वल्स टू एन एक्स एन माइनस वन, राइट। तो ये जो फाइव फॉर्मूलाज हैं ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। फर्दर देखो आप, ये तो फाइव थे जनरल एक्सप्रेशन, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एक्स टू द पावर एन, बार बार इसका हम यूज करेंगे। और क्या क्या है डेरिवेटिव में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको माइंड में रखने होंगे, सी सिक्स पॉइंट है वाई इज इक्वल टू यू प्लस वी, यहां पे यू और वी क्या है, फर्दर एक्स के फंक्शन है, ठीक। तो इन दैट केस आपके पास डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस वी इज इक्वल्स टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। इट मीन्स इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है, अगर जो दो फंक्शन हैं वो आपस में ऐड हो रहे हो तो आप उनका इंडिविजुअल डेरिवेटिव कर सकते हैं, राइट ना। ये रहेगा आपका u प्लस वी का। सेवंथ पॉइंट है मैं जो यूज करूंगा u इंटू वी, यू एंड वी है जो फर्दर एक्स के फंक्शन है, ध्यान से हा, u इंटू वी है। इन दैट केस डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, वो देखो u इंटू वी, जब दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो उस केस में डेरिवेटिव क्या होगा, सी u एज इट इज लिख दो और v का डेरिवेटिव कर दो, प्लस v एज इट इज लिख दो u का डेरिवेटिव कर दो, समझाया। मीन्स एट ए टाइम एक फंक्शन को कॉन्स्टेंट ले लो और एक को वेरिएबल ले लो। पहले मैं u को कॉन्स्टेंट लिया तो u एज इट इज लिख दिया, बिकॉज बाहर आ जाएगा डेरिवेटिव से, और v का डेरिवेटिव तो u एज इट इज v का डेरिवेटिव, फिर v एज इट इज u का डेरिवेटिव, ये क्या है u इंटू v का डेरिवेटिव। एट है y इज इक्वल टू यू अपॉन वी, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक, याद रखने के लिए। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू अपॉन वी का डेरिवेटिव लेंगे ना आप, तो क्या हो जाएगा आपके पास, डिनोमिनेटर में क्या है v, सबसे पहले आप क्या करोगे v स्क्वेयर, और यहां पे क्या करेंगे फिर v एज इट इज डी यू बाई डी एक्स माइनस u एज इट इज dv बाई डी एक्स। ध्यान से, डिनोमिनेटर का स्क्वेयर, फिर डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, एग्री और नॉट, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये आपका है जो एट्थ इंपॉर्टेंट रिलेशन बनता है डेरिवेटिव के अंदर, dy वाई बाई डी एक्स ऑफ यू अपॉन वी, राइट। फर्दर और डिस्कस करते हैं, स्क्रीनशॉट लो इसकी। नाइन्थ जो रिलेशन है हमारा वो है log ई एक्स, वाई इज इक्वल टू आपके पास क्या दिया हुआ है, log ई एक्स। तो डेरिवेटिव ऑफ log ई एक्स याद रखना वन अपॉन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ log एक्स इज वन अपॉन एक्स, ठीक, ये आपको माइंड में रखना पड़ेगा। और अगर y इज इक्वल टू ई एक्स आ जाए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये, e इज एक्सपोनेंशियल टू द पावर x, ठीक है। एक्चुअली e है जो इसकी वैल्यू होती है 2.7132, ये इरेशनल नंबर है। तो y इज इक्वल टू e टू द पावर x, इस केस में इसका जो डेरिवेटिव होगा वो भी e टू द पावर x ही होता है, e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x ही होता है। फर्दर कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन बनते हैं, अगर आपके पास y इज इक्वल टू क्या आ जाए, साइन x, तो साइन x का डेरिवेटिव क्या होगा, याद रखना आप cos x, ठीक। अगर आपके पास आ जाए cos x तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा इसका,
कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। नेक्स्ट है वाई इज इक्वल टू टेन एक्स, अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा तो याद रखना टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक्स स्क्वायर एक्स, राइट ना। तो ये क्या है, बेसिक एक्सप्रेशंस हैं जो आप बार 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 यूज करेंगे डेरिवेटिव के अंदर, ठीक है। अब क्या होता है, एक और पॉइंट बनता है इसके अंदर चेन रूल, ठीक है। डिफरेंशिएशन के अंदर ही एक आता है चेन रूल, अब वो क्या है उस पे आप थोड़ा सा ध्यान देना, बिकॉज आपके जो न्यूमेरिकल्स होंगे फिजिक्स में वो चेन रूल बेस्ड रहते हैं ज्यादातर। चेन रूल में ना क्या होता है, सी हम बात करें चेन रूल्स की, चेन रूल लेट कर लेते हैं, वाई इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, राइट। आपको बोला कि फाइन डीवाई बाई डी एक्स, ये अज्यूम करो कि आपको क्वेश्चन दे दिया वाई इज इक्वल टू दिस फाइन डी वाई बाई डी एक्स। ध्यान से समझना, एक ही क्वेश्चन से समझ आ जाएगा आपको चेन रूल क्या होता है। सी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, चेन रूल में क्या होता है आपको ये तो पता है, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कोस एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स है, बट यहां पे तो एक्स है ही नहीं ना, यहां पे तो फंक्शन ही कुछ और है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन। तो चेन रूल में क्या होता है, आप एज्यूम करो कि ये पूरा का पूरा क्या है एक्स है, चेन रूल में आप क्या करोगे इस पूरे को एक्स एज्यूम कर लो। आप बताओ मुझे साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, बट आपका जो एक्स है वो एक्स नहीं एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन है। आप इस पूरे को एक्स एज्यूम कर लो और फिर देखो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस एक्स, राइट। बट ये तो एक्स है ही नहीं, जब है नहीं तो आप क्या करोगे, जिसको एक्स आप एज्यूम करके चल रहे हो उसका फर्दर डेरिवेटिव कर दो, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, इज दैट क्लियर। तो आप क्या करेंगे, जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाए तो जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन रहेगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, उस पूरे को आप एक्स एज्यूम कर लो। इस पूरे को एक्स एज्यूम करने के बाद आपको क्या मिलेगा, साइन एक्स, और साइन एक्स का क्या होता है कोस एक्स, ये आपका एक्स है राइट नाउ, बट एक्स तो है ही नहीं है, ये तो कुछ और ही है। जो भी है फर्दर उसी का फिर से डेरिवेटिव मल्टीप्लाई कर दो, इससे क्या आ जाएगा आपके पास कॉस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन इंटू होल फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन का डेरिवेटिव क्या होगा सी एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा एक्स टू द पावर एन का होता है एन एक्स एन माइनस वन, तो इसका क्या हो जाएगा टू एक्स टू माइनस वन प्लस ये टू एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा वन बिकॉज डी एक्स बाई डी एक्स इज वन, और वन क्या है कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है जीरो। अब देखो आप जो भी फंक्शन आपके पास मल्टीप्लाई में आ जाए ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के उसको पहले एक्सप्रेस किया जाता है, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास टू एक्स टू माइनस वन इज वन, टू एक्स प्लस टू इंटू जो भी आपके पास फंक्शन है फिर आप उसको एक्सप्रेस कर दोगे, दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है ना। इस टाइप के आप डिफरेंट डिफरेंट न्यूमेरिकल्स अप्रोच कर सकते हैं, ये चेन रूल है, ठीक है ना। ये था फर्दर, हमें एक और क्वेश्चन पिक करते हैं y इज इक्वल टू एक्स प्लस रूट एक्स प्लस वन अपॉन एक्स रूट एक्स। तो पहले तो आप क्या करो इसको प्रॉपर फॉर्म में लिखो x टू द पावर हाफ प्लस वन अपॉन रूट एक्स है, इसको क्या लिख सकता हूं मैं x टू द पावर माइनस हाफ।
अब मुझे क्या करना है इसका डेरिवेटिव, सो डी वाई बाई डी एक्स चाहिए मुझे इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स एक्स प्लस एक्स टू द पावर हाफ प्लस एक्स टू द पावर माइनस हाफ। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे तो पहले एक्स का डेरिवेटिव करेंगे, ये मैं आपको डिटेल में करके बता देता हूं, फिर आप क्या करेंगे एक्स टू द पावर हाफ का डेरिवेटिव करेंगे, एक्स टू द पावर हाफ प्लस फिर आप क्या करेंगे एक्स टू द पावर माइनस हाफ का डेरिवेटिव करेंगे, राइट तो देखो एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है वन। नाउ एक्स टू द पावर एन डेरिवेटिव इज एन एक्स एन माइनस वन, वो वाला एक्सप्रेशन लगाया मैंने एन एक्स एन माइनस वन, और एन की वैल्यू हमारे पास क्या है हाफ, हाफ एक्स हाफ माइनस वन प्लस इसकी पावर कितनी है इसमें एन की वैल्यू क्या है माइनस हाफ, तो एन एक्स एन माइनस वन। नाउ फर्दर क्या हो जाएगा वन प्लस हाफ एक्स, हाफ माइनस वन इज माइनस हाफ, हाफ माइनस वन इज माइनस हाफ माइनस वन बाई टू एक्स टू द पावर माइनस वन बाई टू माइनस वन दैट इज माइनस थ्री बाई टू। तो फाइनली आप इसको क्या एक्सप्रेस कर देंगे वन प्लस वन अपॉन टू, इसको क्या लिख सकता हूं डिनोमिनेटर में जाके रूट एक्स टू रूट एक्स माइनस वन अपॉन टू एक्स टू द पावर थ्री बाई टू। तो ये क्या है आपकी फाइनली डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है। इस तरीके से आप डिफरेंशिएशन को इजीली अप्रोच कर सकते हो। कोई भी डिफिकल्टी आए आप मेरे से कमेंट बॉक्स में भी क्वेरी कर सकते हो, अदरवाइज मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप वहां से भी क्वेरी कर सकते हो। थैंक यू।